उद्यान एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं नई और ताज़ा खबरों के साथ। आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि नई और ताज़ा खबरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अबोहर के सरकारी अस्पताल में टीबी जांच की ट्रू नॉट मशीन स्थापित कर दी गई है। अब टीबी रोगियों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही उन्हें फाजिल्का जाने की जरूरत होगी। यह सुविधा अब अबोहर में ही उपलब्ध हो गई है। शहर में बढ़ रहे डेंगू मामलों को लेकर जहां नगर निगम की ओर से फॉगिंग करवाई जा रही है, वहीं कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ ने आज कहा कि प्रशासन की ओर से घरों में भी स्प्रे करवाई जाएगी ताकि घरों में पैदा होने वाले डेंगू मच्छरों पर काबू पाया जा सके। इसके लिए छोटे स्प्रे पंप खरीदने का विचार चल रहा है। चोखो अबोहर प्रोजेक्ट के तहत प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आनंद नगरी में नगर निगम के कर्मचारी संदेश ने अपनी टीम के साथ लोगों को जागरूक किया। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास फंड रोके जाने से गुस्साए लगभग 40 गांवों की पंचायतों ने आज मोजगढ़ में सभा करके केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आज बल्लुआना हलके के दो गांवों में विधायक नथुराम द्वारा विकास कार्य में रखे गए नींव पत्थर के टूटने का मामला चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, जबकि विधायक नथुराम ने मामले की निंदा की है। आज जड़ा सुबह पता लग गया है कुछ जेडे विरोधी अंसर है जेडे ये देख के खुश नहीं भी इस हलके का कोई विकास हो। पिछले काफ़ी सालों तो ये हलका हलका अनगौले रहा है और शरारती बंद ने उस पत्थर नु जड़ा नुकसान पहुँचाया और धक्का दे के तोड़िया या किवें तोड़िया उसके खिलाफ लोग सरपंच साहबान और संबंधित साथी और नगर च काफ़ी रंज पाया गया और उसकी शिकायत मौके पर पुलिस नु कीती है। फिरोजपुर पुलिस ने बीते दिन चोरी के 38 मोटरसाइकिल व तेज धार हथियार के साथ चोर गिरोह के सदस्यों को काबू किया और इनसे पूछताछ की जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुँच सके। और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।